नमस्कार, आज हम मौजूद हैं आपका अपना दफ्तर महेंद्रगढ़ में और यहाँ पर महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। सभी तबके के लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा जिस तरह से रहे और उनके आज पीछे की जो जितने भी कहानियाँ हैं वो यहाँ पर बताई गई, क्योंकि काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं है कि महाराणा प्रताप जी ने किस तरह से जो है ये फतेह हासिल की और इसके बीच से जो है हमें काफ़ी कुछ प्रेरणा मिली। तो हम दो तीन चीज़ें आपको बताएंगे क्योंकि आज इस यहाँ से इस आपका अपना दफ्तर से काफ़ी बड़ी घोषणा की गई है। आपको बता दें कि इतनी बड़ी घोषणा की गई है कि शायद ही पूरे भारत में ऐसी घोषणा आपको कभी सुनने में मिली होगी। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है राजपूत समाज के कुछ बच्चे हैं जो संदीप जी ने काफ़ी सालों से अडोप्ट किए हुए हैं, क्योंकि अडोप्ट तो बात करें तो सभी जाति से सभी कास्ट से हैं उनसे अडोप्ट किए हुए हैं, लेकिन मैं कुछ राजपूत समाज के बच्चे हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे को पता लगा कि भी संदीप जी 20 साल से उनकी पढ़ाई का खर्चा है या फिर देख रेख कर रहे हैं, घर का जो पूरा पालन पोषण जो है बच्चे का वो लगातार उनका कर रहे हैं। तो संदीप जी आज जो ये कार्यक्रम बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम और महाराणा प्रताप को जिस तरह से याद किया गया, कोई भी ऐसा कोई ऐसा शहीदी दिवस हो कोई भी आप ऐसा नहीं छोड़ते और पूरा इलाका आपकी तरफ टकटकी लगा के बैठा है सर कि कब हमारे महेंद्रगढ़ को आज़ाद करवाया जाए, क्योंकि आज़ाद तो पहले हो चुका लेकिन हम करप्शन से आज़ादी चाहते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें आज़ादी नहीं मिली और लगातार ये लोग कहते हैं कि अब की बार संदीप जी आएंगे तो शायद हमारा महेंद्रगढ़ आज़ाद हो पाएगा। सैनी साहब, सबसे पहले मैं शूरवीर महाराणा प्रताप जी के चरणों में नमन करता हूँ, वंदना करता हूँ और मैं आशा करता हूँ, मैं ये पूरा विश्वास है कि महाराणा प्रताप जी का आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पर बना रहेगा। देखिए सैनी साहब, मैं आज पूरा डिटेल में बता रहा था, मैंने बड़ा स्टडी किया हुआ महाराणा प्रताप जी के बारे में, किस तरह से महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह जी और महाराणा प्रताप जी ने अपना पूरे इन्होंने पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ अपना पूरा जीवन अपने देश पर न्यौछावर कर दिया। मैं हल्दी घाटी के बारे में पढ़ रहा था सैनी साहब, देखिए हल्दी घाटी के युद्ध में एक तरफ लाखों सेना थी और एक तरफ चंद हजार सैनिक थे, उसके बावजूद भी उन्होंने मुगलों से लोहा लिया और मुगलों को खदेड़ भगाया। देखिए मैं अपनी पूरी जो महाराणा प्रताप जी का जो पूरी जीवनी मैंने अभी अपने पूरे अपने महेंद्रगढ़ वासियों को सुनाई तो उसमें जीवनी सब कुछ मैंने बखान किया, हमने किस तरह से महाराणा प्रताप जी के चेतक घोड़े ने उनको बचाया, किस तरह से भीलों ने महाराणा प्रताप जी का साथ दिया और किस तरह से महाराणा प्रताप जी ने कसम खाई कि जब तक पूरा मेवाड़ आज़ाद नहीं हो जाता, जब तक हम अपनी धरती पर सोएंगे, हम अन्न भी सिंपल खाएंगे और बिल्कुल कोई प्लेट वगैरह कोई डिशेज यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह भी देखिए कितना बड़ा जीवन चरित्र था हमारे शूरवीर महाराणा प्रताप जी का। तो वो ही चीज़ आज हमारी जनता चाह रही है, हमारी जनता भी आज़ादी चाह रही है महेंद्रगढ़ में, आज़ादी करप्शन से, आज़ादी क्राइम से, आज़ादी टूटी हुई सड़कों से, बंद पड़ी पाइपलाइन से, टूटी हुई सीवर लाइन से, हर चीज़ से। देखिए सैनी साहब, 45 साल से हमारे जो लोगों के हमारे परिवार के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। वे चाहते हैं कि हमारा जो परिवार है वो सपने देखना ही बंद कर दे, लेकिन जब से हम आए हैं तो हमारे परिवार के विश्वास हो गया कि भी संदीप सिंह ही हमारे सपनों को सच करेंगे। तो सर, जैसे एक काफ़ी बड़ी घोषणा की गई है, पूरे इंडिया लेवल की घोषणा है और बिल्कुल यूनिक चीज़ें हैं क्योंकि पहले भी आपने किया, क्योंकि आप कई बार ये कहते हैं कि भाई आप अगर बोलते हैं तो सच ही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। कई बार कोई नेता ऐसे बातें अफवाहें फैला देते हैं कि भाई हम ये कर देंगे, बड़ा बड़ा ताजमहल ले आएंगे, वो चीज़ें ना होकर के स्टडी करके ही आपकी कोई चीज लॉन्च होती है सर। तो आज के दिन क्या ऐसी नई घोषणा करने जा रहे हैं सैनी साहब? हमारे पूरे हरियाणा को इस बात का गर्व होगा, आज जो घोषणा हमने की है वो पूरा इंडिया लेवल की घोषणा है। पहली बारी सैनी साहब, देखिए हम लोग कुंभलगढ़ जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सबके लिए क्योंकि उदयपुर से भी बहुत आगे जाना पड़ेगा, तो आजकल सब बिजी शेड्यूल है, हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो हमने ये आज घोषणा की है, हमारी जनता जब पावर में आएगी तो कुंभलगढ़ का किला, वहाँ भी अरावली रेंज है और यहाँ भी अरावली रेंज है, यहाँ पे अरावली रेंजेज में स्थापित किया जाएगा और उसमें लाइट एंड साउंड शो होगा ताकि लोग आगे महाराणा प्रताप जी के जीवन चरित्र के बारे में जान पाए और जितना भी वहाँ पे म्यूजियम में आपके उदयपुर में भी और साथ साथ हल्दी घाटी में भी जो म्यूजियम हैं उनमें जो जो चीज़ें वहाँ पर स्थापित हैं, महाराणा प्रताप जी की तलवारें, महाराणा प्रताप जी का भाला, महाराणा प्रताप जी के जो वस्त्र हैं जो पहन के लड़ाई लड़ते थे, वो उनका सबका सब रेप्लिका वो यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, यानी कि एक बहुत बड़ी म्यूजियम
उस कुंभलगढ़ के जो यहाँ पे किला स्थापित किया जाएगा वो यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, ताकि हमारा जो महेंद्रगढ़ है वो एक टूरिस्ट हब बन जाए। देखिए सैनी साहब, पहले देख रहे थे हमने चार धाम का जो यहाँ पे वो फैसला किया था कि जैसी जनता पावर में आएगी तो यहाँ पे चारों धाम स्थापित किए जाएंगे अरावली रेंज में। इसी तरह से कुंभलगढ़ का किला यहाँ स्थापित किया जाएगा, ताकि हमारे युवाओं को नौकरी मिल सके, हमारे और लोगों को यहाँ पे अपना व्यापार आगे बढ़ सके, और एक पूरा का पूरा हमारा महेंद्रगढ़ एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बन जाए। और साथ साथ ये सबसे बड़ी श्रद्धा सुमन होंगे हमारे सूर्य महाराणा प्रताप जी को, क्योंकि आज तक सैनी साहब सब ने इन चीज़ों पे पॉलिटिक्स ही की है, सबने झूठी बोला है। पहली बारी असली में जो महाराणा प्रताप जी को श्रद्धांजलि होगी, महाराणा प्रताप जी को अमरता जो हम मानते हैं वो मिलेगी महाराणा प्रताप जी के जीवन दर्शन करने से, और वो जीवन दर्शन हम अब हबूब देख सकेंगे अपने यहाँ पे कुंभलगढ़ का किला स्थापित करने के बाद। बिल्कुल सर, तो देखिए काफ़ी लोग हैं सर, जैसे आपने उनको गोद लिया हुआ है, कई परिवार हैं, राजपूत समाज के भी परिवार हैं, अदर समाज के भी परिवार हैं, तो सर काफ़ी ऐसे लोग हैं कि कितने सालों से, आप उनके बारे में भी थोड़ा बता दीजिएगा। सैनी साहब, काफ़ी हमारे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, वो अपने मुंह से बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। इतने बच्चे हमने अडॉप्ट किए हुए हैं, कई बार आपसे पहले कहते हैं ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि 20 साल से लगातार, से भी ज़्यादा लंबे साल से ये प्रोसेस चलता आ रहा है। क्योंकि देखिए सैनी साहब, सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन है। अगर हम एजुकेशन, बच्चे का जो हम बेस है, अगर हम वो स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो बच्चा आगे जाके औरों को एजुकेट करेगा बड़ा होके। हमारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ के गए हैं और पढ़ रहे हैं अभी बच्चे हमारे, और अच्छी एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, अच्छा उनका करेक्टर बनाया अच्छी एजुकेशन से, तो उनके अंदर भी भावना है कि भी हम अपने महेंद्रगढ़ को चेंज करेंगे, और हम जैसे संदीप सिंह जी कर रहे हैं हम वैसा ही काम करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए काफ़ी यहाँ पर जो है इन लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं उन बच्चों से भी मिलवाऊंगा जो संदीप जी ने गोद लिए हुए, उन परिवार से भी आपको मिलवाएंगे, और आप भी एक अपना फ़र्ज निभाएं, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर करते रहें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप कमेंट करें, लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं। सर आप भी पाली गाँव से आए हैं सर, और महाराणा प्रताप जी के चरणों में नमन करते हुए, देखो जो आज SDM साहब ने जो बात कही है ये छोटी बात नहीं कही है कि यहाँ पे किला स्थापित करेंगे महाराणा प्रताप जी, क्योंकि महाराणा प्रताप किसी एक जाति के नहीं थे, वो बिलों में खेलते थे, ये लोहारों से तलवार हथियार बनाने की वो सीखते थे, वो हर जाति से टच में थे, तो उनके जो पीछे जो उनकी जो चरण पद कदमों पे ये साहब चल रहे हैं, ये मैसेज बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। और ये अभी जैसे पांच पंडों की बात करी कप्तान सरपंच साहब ने, ये तो आज के इससे 35,000 तो प्लस हो गए, ये जो अभी मैसेज जाएगा पब्लिक में आपके थ्रू, इससे 35,000 तो प्लस हो चुके हैं, हर जाति के लोग यहाँ पर्यटक विजिटिंग प्लेस बनेगा, लोग देखने आएंगे, रोजगार मिलेगा, और मेवाड़ कौन जाएगा, हमारे इलाके के लोग देखेंगे और इस सूरवीर की जो कहानी सुनेंगे, एक एक जो इसकी ढाल, खड़ग, तलवार आज की 10 आदमी नहीं उठा सकते, ये अकेला वो यहाँ आएंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज जो विचार साहब ने जो कहे हैं ये बहुत ही इनके जैसे उमदा सोच है। हाँ, मतलब सरस्वती इनके जमान पर बैठ चुकी है। बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सैनी साहब। मैं वैसे पहले बोल चुका, मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ भाई। एक बात जरूर होगी आज की जयंती से तय हो गई है सैनी साहब, जैसे अकबर जो ना चरपाई पे सोया उछल के पड़े था, आज से अकबर सूत्यो ओज के जानू सिराने साफ उन दोनों ने दिखन लागो संदीप थारे सिराने खड़े हो गए। पक्का पक्का संदीप सिंह आओगा तो भाई वो भी तड़फड़ा रहे, उनको भी मतलब आज ऐलान हो गया है, ऐलान कर दिया, बिल्कुल कर दिया। धन्यवाद। तो सर क्या कहना चाहेंगे आज महाराणा प्रताप की जयंती पर, मतलब काफी लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, तो आप भी बताएं सर। सैनी साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही एक जिक्र किया था कि भाई आप आज़ादी के बारे में पूछ रहे थे कि भाई हम आज़ाद तो हो गए लेकिन करप्शन से आज़ाद नहीं हुए, तो करप्शन मान लो हर चीज़ का ही है, गुंडागर्दी है या हर चीज़ का है, रिश्वत का है, हर एक चीज़ का है,
देखो एक छोटी सी कहावत है कि सोना सबसे कीमती चीज होती है, टूट जाता है तो उसको घड़ता कौन है? सुनार। और सुनार किस चीज से घड़ता है? हथौड़े से। हथौड़ा किस चीज का होता है? लोहे का। इसी प्रकार से चांदी अगर टूट जाती है तो उसको घड़ता कौन है? सुनार। और सेम प्रोसीजर वही है, इसलिए बता रहा हूँ कि अभी तक तो ये लोहा और यानी कि जो हथौड़ा है लोहे का, ये सोने को भी घड़ता है और चांदी को भी है। तो महेंद्र के करप्शन को दो तो देख लिए, अब तीसरा थोड़ा संदीप सिंह है, उनको और देखेंगे कैसे करते हैं इसको करप्शन को। तो वो चीजें हैं, अभी संदीप सिंह खड़े हैं, वो हमारे पास एक हथौड़ा है, उसको इस्तेमाल करेंगे और वही चीज हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू। अजी सर बताइए सर, क्या बताना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, जो SDM साहब ने घोषणा की है कुंभलगढ़ घाट लाके, वो एक ऐतिहासिक बात है और बड़ी अच्छी बात है, ऐसे आदमी को आगे लाना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू। सर बताइए क्या बताना चाहेंगे? जय हिंद जय भारत। और आपको भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो संदीप सिंह जी SDM साहब के अंदर जो क्वालिटी है उन नेताओं में नहीं है, और इन्होंने आगे हमारे महेंद्रगढ़ क्षेत्र को जो है संभालने का जो बेड़ा उठाया है, हम इनके साथ हैं तय दिल से, और हमारी अब की बार 1 लाख से प्लस की जीत होगी, निश्चित है जी। थैंक यू सर, खड़े हो जाए एक बार, क्या कहना चाहेंगे बताइए? मैं साहब जाट गांव सुरेश, जाट गांव से साहब एक संदीप जीत है, जाट गांव से संदीप साहब की जीत है। तो जाट गांव से जीत रहे हैं आप? जाट गांव से? जाट गांव। अच्छा, मतलब पहले से आपने कर दिया कि हम तो शुरू से कर रहा था, शुरू से कर रखा है आपने, इनके बढ़ाया है कुछ नहीं तो। चलो बहुत बढ़िया। मेरा नाम प्रेमपाल है, मेरा गांव सुरजनवास है। सुरजनवास? हाँ जी, बताइए। सुरजनवास से हम तनवर मेहनतम से संदीप साहब के साथ है, और पिछली बार से भारी मतों से संदीप साहब जिताएंगे, पिछली बार 500 आए थे, अब की बार 1012 के बीच में कुछ हम ऊपर वोट आएंगे। सुरजनवास का? हाँ जी। चलो ठीक है सर, धन्यवाद। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार ईशान साहब। सर मतलब अब से जो पहले हम BJP के साथ थे कहीं भी थे, पर लेकिन अब हम दिल से SDM साहब के साथ हैं, और जितना हो सके उतना इनके मतलब वोटों में और तन मन धन से साथ देंगे। तन मन धन से साथ है, मतलब पूरा सपोर्ट रहेगा आपके गांव में? बिल्कुल। उड़ाना में तो पहले भी काफी काफी माहौल था, लेकिन पहले हम SDM साहब के साथ नहीं थे, लेकिन अब की बात दिल से दिल के साथ। तो हालिया सरपंच है अभी आप? नहीं, आगे नहीं, मैं एक सरपंच हूँ इससे पहले जी। अच्छा, आपके फादर से पहले सरपंच? मैं खुद था सर। आपकी आप भी थे सरपंच? मैं था इससे पहले। इससे पहले थे जी। आपकी बार खुल के सपोर्ट करेंगे आप? कोई दबाव प्रेशर आएगा? नहीं, कोई वो महसूस नहीं होगा हमें किसी का दबाव प्रेशर से। हुआ थैंक यू सर। मैं संदीप सर के बारे में इतना ही कहना चाहूंगी, इन्होंने काफी बच्चे अडॉप्ट करके पढ़ाए हैं, आज तक ऐसा किसी नेता ने नहीं किया, और ऐसे काफी परिवार अभी भी होंगे जो पढ़ा लिखा नहीं सकते अपने बच्चों को, गरीब है, वो अभी भी संदीप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं। मतलब जिसके में पढ़ाई लिखाई करने में सक्षम नहीं है, जिसका परिवार उनको संदीप सर संदीप से मिले, मतलब जी ये कहना है जी जी। संदीप जी हजारों बच्चों को तब भी पढ़ा रहे हैं जी, अब भी पढ़ा रहे हैं आज तक, बिल्कुल आज तक कभी भी, जैसे और नेता है उनके पास काफी पैसा है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, सोचा ही नहीं उन्होंने जी, संदीप सर ने ऐसा सोचा है। तो वो तो 20 साल से साथ ऐसा ही कर रहे हैं जी, बस लूट रहे हैं, ऐसा लूट रहे हैं हमें महेंद्रगढ़ वालों को, तो ऐसा है कि संदीप सर को एक बार मौका देना चाहिए, इनको आगे बढ़ाओ। ठीक है, बताइए सर, बताइए। सैनी साहब मैं तो यही कहना चाहता हूँ, महेंद्रगढ़ में हरियाणा में पहली जीत होगी संदीप सर की। इतना बढ़िया रिकॉर्ड बनेगा? रिकॉर्ड नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ, ये आने वाला समय बताएगा, कोई रोकने वाला हो। आगे लाल तोलिया क्या बोल रहा है, ये दिल की भावना है और क्षेत्र की आवाज बोल रही है। धन्यवाद। और आगे हम साबित करेंगे सर को, बहुमत भाई बहुमत देकर विजय बनाकर भेजेंगे चंडीगढ़। ठीक है, थैंक यू। देखिए अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो संदीप जी के गोद लिए हुए परिवार हैं, अडॉप्ट किए हुए बच्चे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। भाई कहाँ से आए हो आप? सर मैं पाथेड़ा से आया हूँ, मेरा नाम रोहित है। हाँ जी बताइए। सर हम 20 साल से संदीप साहब से जुड़े हुए हैं, संदीप साहब ने हमें गोद लिया हुआ है। सर 2002 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे सर, उसके बाद से ही हम साहब से जुड़े हुए हैं। सर एक समय ऐसा आया कि घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि सर हमारे पास कोई सहारा नहीं था सर, फिर हम साहब से जुड़े, साहब ने सर हमारी इतनी मदद की, हमारे पास सर खाने के लिए रोटी तक नहीं थी सर, उसके बाद साहब ने हमें राशन दिया, साहब ने हमारी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा दिया सर, हम 4 बहन भाई हैं, हमारी सभी की ग्रेजुएशन करवाई साहब ने,
और सर पूरा खर्चा हमारा साहब ही उठाते हैं। राजपूत समाज से? हाँ जी सर, हम राजपूत समाज से हैं। ठीक है सर। जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे बताइए। हाँ जी सर, 1.5 महीने सर पहले मेरा टांग का ऑपरेशन संदीप भाई, हाँ संदीप भाई ने आपका ऑपरेशन करवाया है? ऑपरेशन, पैर का ऑपरेशन। मैं ढाणी कुमारान से आया हूँ जी, सतनाली से। तो 1.5 महीने पहले पैर में तकलीफ थी सर, कहीं आ जा नहीं सकता था। संदीप जी ने एडमिशन करवाया, उनके आशीर्वाद से 1.5 महीने के बाद मुझे ऐसे थोड़ा चलने फिरने लगा, कोशिश करी तो नौकरी भी मिल गई। नौकरी भी मिल गई सर, जॉब कर रहे हो? गुड़गांव, अभी 11 तारीख को ज्वाइनिंग है। अच्छा, गुड़गांव नौकरी मिल गई। हाँ जी, तो ये तो सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा हो गया जी। अभी थोड़ी देर पहले वो सरपंच साहब बता रहे थे कि महाराणा प्रताप से मुगल शासक चिमकते थे, तो चिमकते तो यहाँ पे भी हैं जी। हमारे महाराणा प्रताप FDM साहब और मुगल शासक के दो अंश हैं यहाँ पे, दो नेता आप सब लोग जानते हैं। उनके सपने में आते हैं तो वो चिमकते हैं कि संदीप आ गया भाई, संदीप आ गया, उनसे बचो। तो हमारा तो ये निवेदन है जी जनता से कि ज्यादा से ज्यादा संदीप का साथ दें, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ रहें। भाई साहब कहाँ से आए आप? मेरा गांव फाईगा गांव है। मेरी ऐसी हालत हो रही थी कि मुझको खुद के पास सैनिटरी तो बचेगा, और संदीप साहब से मेरे घर पर गए और मेरी हालत देखी तो तुरंत उसने डॉक्टर के पास लेके गए और मेरा टांग का इलाज करवाया, पैर का इलाज करवाया, और सब खर्चा पानी अपनी तरफ से दिया। और मेरी हर सप्ताह में 2-3 बार मेरी जानकारी लेने के लिए घर पर जाते थे, और खाने पीने का सारी सुविधा साहब ने ही की। और आज क्या मानते हैं, इससे पहले कोई ऐसा कोई नेता या ऐसा कोई लीडर नहीं मिला? नहीं, लोगों को ऐसे बगैर जाने बिछाने ही मतलब इतनी हेल्प कर रहे हैं। हाँ, बिना जाने बिछाने इसने अपना समझ कर से मेरे को वहाँ से उठवा के इसने इलाज करा। बाकी लीडर तो महेंद्रगढ़ में ऐसे कोई भी नहीं है, किसी ने गरीबों को मदद करी है और कोई बताता हो भाई मेरी मदद करी तो हमको बताओ। तो आप तो रियल है, आप जो है पाएगा गांव से है, क्या नाम आपका? मेरा नाम जगदीश है। हाँ, और मैं अनाथ हूँ, बिना बचपन मेरे माँ बाप बचपन हो गए थे। और मैं साहब ने आपको गोद लिया हुआ है? हाँ, साहब ने मेरा गोद लिया हुआ है। अब मैं अपने छोटा मोटा चाय पानी डेली बस स्टैंड अपने महेंद्रगढ़ बस स्टैंड के सामने लगाता हूँ और अपना खर्चा पानी डांट लेता हूँ, काम चल रहा है। और इसी की मेहरबानी से आज दिन मैं भाइयों के सामने खड़ा हूँ, और मेरी यही उम्मीद है कि मेरे भाई अर्थव बहनों इसके पूरे साथ देकर इसको इक्का आने वाले मौका साहब को ही दो, इसी साहब की जीत हो। बाकी तो सब बकवास है, आप सब भाई मेहनत की हालत देख रहे हो, किसी चीज़ की रोड की पानी की बहुत खराब माहौल चल रहा है। एक बार मौका अवश्य दो, हम तो ये कहते हैं। काफ़ी बड़ी बात है भाई, कहाँ से आए? पाली गांव से आए। पाली से, बताइए क्या बताना चाहेंगे? जी, मैं, मेरा नाम सचिन है, मैं संदीप सर ने अडॉप्ट कर रखा हूँ 13 साल से। 2010 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तभी से इन्होंने मेरे को पढ़ाया लिखाया है। दो, एक मेरी बहन है, एक मेरे भाई है, वो अभी पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल वीबीएन में बसी में। अरे जी, हमारे 5,000 रुपये पेंशन बांध रखी महीने के, सारा खर्चा पानी इन्होंने किया सर। 13 साल से यही खर्चा दे रहे हैं? हाँ जी। ये तो पता नहीं था कि चुनाव में, तो अभी से इन्होंने ये तो अभी किया। SDM थे तभी से आपकी अभी से सेवा पानी कर 2010 से। हाँ जी, चलो, और क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को आप? जी बस यही कहना चाहेंगे, इनका साथ दो, बहुत ही नेक इंसान है, हम तो इनकी फुल सपोर्ट करते हैं। सर, मैं गांव बुचावास से आया हूँ, और आज मैं पहली बार संदीप सर के यहाँ मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज 9 मई है, महाराणा प्रताप जयंती है, तो सर के साथ महाराणा प्रताप जयंती बनाई। तय दिल से हम संदीप सर के साथ हैं, और तब तक युवा पीढ़ी साथ है संदीप सर के पास। संदीप सर को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम संदीप सर के साथ आज भी हैं, कल भी थे, हमेशा रहेंगे। सर, मैं बुच्चावास से आया हूँ, मैं संदीप सर से पहली बार मिला हूँ। आज 9 मई है, महाराणा प्रताप जयंती है, हमें बड़ी खुशी हुई संदीप सर के साथ मिलके, और हमेशा हम संदीप सर के साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। बताइए क्या नाम आपका? अंकित। कहाँ से आए? बुच्चावास से। मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ, मुझे संदीप सर से मिलके बहुत खुशी हुई, और मुझे संदीप सर के विचार बहुत अच्छे लगे। तो मैं बुच्चावास से आया हूँ। बेसिकली मैंने अगर इनका नाम सुना वो सोशल मीडिया पे सुना है, जो पहली बार मैं इनका ये चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे आके। बाकी लगा अगर मैं इनकी बात करूँ, जिस तरीके का इन्होंने आयोजन यहाँ पे रखा था बहुत काफ़ी अच्छा था, जिस तरीके से इन्होंने अपनी स्पीच यहाँ पे प्रकट की बहुत ही अच्छी थी, एंड इससे पता चलता है कि आने वाली ये उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा बेटर है। देखिए, एक माता जी हमारे साथ मौजूद हैं जो काफ़ी सालों से जो है संदीप जी से जुड़े हुए हैं, तो कैसे मिले जी संदीप जी आपको, कैसे जुड़ा हुआ है? मेरे एक जी हस्बैंड, क्या नाम है, उनकी डेथ हो गई थी, तो हमारे गांव में सरपंच है जी, उसने बताया कि आप SDM के पास जाओ संदीप जी के,
हम यहाँ पे आए थे तो सर जी ने हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई सब ये सर करवाते, पहले खाना पीना भी देते थे, महीना जेल में आती थी और अब भी मैं तो अब भी आऊँगी, जब भी नहीं देंगे जब भी आऊँगी। और मेरे तो जी जो बाप है वो 13 साल से जी मेरे को, हाँ जी 1.5 साल हाँ जी इन्हीं से जुड़े हुए हैं। चितलांग से? दोनों चितलांग से। हाँ जी मेरे बच्चों के आपकी गुड़िया? हाँ जी। ये कौन सी क्लास में हो गई? ये 10वीं क्लास में हो गई जी। संदीप जी खर्चा उठा रहे हैं? सारा खर्च संदीप जी उठाते हैं जी, सब कुछ देते हैं जी, खाना पीना भी देते हैं जी। बेटा कोई दिक्कत आ रही है? संदीप जी आपको? नहीं नहीं सब हाँ कर रहे हैं पूरा, मतलब पापा की कमी महसूस नहीं होती? नहीं 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 अच्छा लगता है, हर चीज अवेलेबल करवाते हैं सर। बदली हुई है सर इनके पास आने से, जब से उनके सर पे हमारे बच्चों के हाथ हुआ है सर का, सबसे हमारा परिवार बहुत सुखी परिवार है। नहीं किसी प्रकार की कमी नहीं है, अब लड़की को कंप्यूटर भी करवाएंगे आपके पास आते हैं? हाँ बड़ी लड़की है वो उसको कंप्यूटर करवाएंगे जी, करवाएंगे अब कंप्यूटर वगैरह में एडमिशन लेगी गुड़िया तो सर ही करवाएंगे। सर ने काफी बच्चों को गोद लिया हुआ है? बहुत जी ना, हमारे परिवार में बहुत सुधार आया है सर की छाया से, हम तो कहें बार बार धन्यवाद है सर से हमारा। यहाँ के लोगों को जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि हमारी यही प्रार्थना है कि जितना बन सके उतना साथ दे सर का। ठीक है जी, थैंक यू सर। बताइए क्या बताना चाहेंगे आज सनी साहब? हम तो यही कहना चाहेंगे ये महेंद्रगढ़ से शेर, लोहारों से बब्बर शेर, दोनों मिलकर दाड़ेंगे, भ्रष्टाचारियों को नानी याद दिलाएंगे, राम राज लाएंगे, जगदीप संदीप आएंगे, राम लखन कहलाएंगे, जरूरत पड़ी तो अलग पार्टी बनाएंगे, लेकिन महेंद्रगढ़ और लोहारों को चमकाएंगे और इस आलू बैंगन को भगाएंगे। अरे मेरी जनता जनार्दन, आलू बैंगन थाली में निकाल के बाहर फाँकते तो हम ही फायदे से खाए खाए के मंदिर को आदमी खराब है। वो ये कटल और पनीर रख लो थाली में, वह खाओ से 200 साल तक खाया जाओ आदमी खराब नहीं है, वो तंदुरुस्त आओगे ताकत आओगी। मिट्टी ने मिट्टी से की एकता, ईंट बन गई, ईंट ने ईंट से की दीवार बन गई और दीवार ने दीवार से की मकान बन गया। ये चीजें तो बेजान है, हम तो फिर भी इंसान है, एक बनो और नेक बनो, धुरा ठाए दुर फिल्टर पाट दो, फिल्टर पाट दो। धन्यवाद। हाँ देखिए आज जो है महाराणा प्रताप की जयंती यहाँ पर मनाई गई और भारी संख्या में सभी 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन दो तीन चीजें बात जो हमें यूनिक यहाँ पर नजर आई, क्योंकि यहाँ पर जो महाराणा प्रताप की जितने भी पीछे की जितनी भी जीवनी रही है यहाँ पर एक म्यूजियम के माध्यम से, जो संदीप जी अगर आएंगे या जनता यहाँ पर आएगी तो उन्होंने घोषणा की है कि म्यूजियम के माध्यम से जितनी भी यहाँ पे उनकी जीवनी की बातें हैं वो दर्शाई जाएंगी और जितने भी संदीप के अडोप के बच्चे हैं परिवार हैं उनसे भी हमने आपको मिलवाया, तो आप देख सकते हैं किस तरह से जनता का मूड बना हुआ है, किस तरह से जनता का रुझान है। आज ही क्योंकि एक साल अभी चुनाव का बाकी है, आज से ही इतना जोश खरोश है जनता में, तो देख सकते हैं आने वाले एक साल के अंदर तो है कितना जो है जन सैलाब उमड़ने वाला है। तो प्लीज़ आप जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।